नाज़रीन, इस वक्त हम पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज़ में मौजूद हैं। यहाँ पर वीमेन सेफ्टी ऐप के हवाले से सेमिनार का इनकार किया गया। ऐप के बारे में शुरुका का क्या कहना था, आइए जानते हैं। मैडम, आप इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, ये एक तारीखी अदारा है। आपने यहाँ पे वीमेन सेफ्टी वॉल का इफ्तिताह किया, इसका क्या मकसद है? सेफ्टी वॉल जो हमने बनाई, इसका मकसद ये है, जो हमारे बच्चे इधर पढ़ते हैं वो यहाँ से गुजरेंगे और जो सेफ्टी ऐप होगा उसको डाउनलोड करेंगे और आगे जाके बाकी लोगों को भी बताएंगे, अपने घर वाले और अपने दोस्तों को करके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट आवर वुमेन आर सेफ एंड दैट दे हैव अ सेफ्टी ऐप। इफ एनीथिंग हैपेंस दे कैन प्रेस दैट बटन और उसी वक्त उनको हेल्प पहुंच जाएगी। मैडम, ज़माना बदल रहा है, ख़वातीन का तहफ़ुज़ अब सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है, ऐसे इकदाम वुमेन एम्पावरमेंट में कितने मुआवन साबित होंगे? देखें, जो बच्चियों और ख़वातीन को जब तक हम पब्लिक स्पेसेस सेफ नहीं करके देंगे, वो कभी भी अपने घरों से निकल के इत्मीनान के साथ ना कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज जा सकती हैं, ना वो अपनी जॉब्स पे जा सकती हैं। ये उनकी सेफ्टी के लिए जब वो इसको डाउनलोड कर लेंगे तो वो उनको ख़ुद तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा। रिस्पांस मैकेनिज्म इसका 5 मिनट्स है और वो फिर एक कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकलेंगी और अपना जो भी मार्केट्स जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, वहाँ जा सकें। दिस इज़ कॉल्ड रियल एम्पावरमेंट, कि आप एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट दें अपनी बच्चियों को, अपनी ख्वातीन को, ताकि जो हरासमेंट के जो इश्यूज हैं उनको कंट्रोल किया जाए और वो बाहर निकल के तसल्ली के साथ अपना काम कर सके। सर, वुमेन सेफ्टी ऐप की गाही के लिए मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के दौरे किए जा रहे हैं, यूथ की तरफ से कैसे रिस्पॉन्स मिल रहा है और कितनी फिजा राय मिल रही है आपको? आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में गए थे और अभी हम मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के जेंडर स्टडीज़ डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पर बड़ा अच्छा फीडबैक है। यूथ को अवेयरनेस के लिए हम यहाँ पर आए हैं और इसमें स्पेशली जो उनके साथ इंटरेक्टिव सेशन है, क्वेश्चन आंसर सेशन है, उनके काफ़ी क्वेश्चन होते हैं पुलिस की परफॉर्मेंस के बारे में, पुलिस की इमेज के बारे में, तो जब उनको एड्रेस करते हैं तो वो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी कन्फ्यूजन उनके माइंड से दूर होती हैं। मैडम, आपने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया है, ये स्टेप ऑलरेडी अप्रिशिएटेबल है, लेकिन आप किस तरह मेक श्योर करेंगे कि यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट ने ये ऐप इंस्टॉल कर ली है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप लोग आए यहाँ पे दोबारा और आपने दोबारा से इसकी जो ऐप है इसके फीचर्स जो हैं वो उनके बारे में बताया। अब इसको स्नोबॉल कैसे किया जाए, यानी कि इसको स्प्रेड आउट कैसे करें इसको, तो एक तो सबसे पहले ये कि हमारे पास एक स्टूडेंट का एक बड़ा पूल होता है हमेशा, जो हर साल आ रहा होता है, तो चूँकि ये वॉल हमने यहाँ डिस्प्ले किया है, हर आने वाला शख्स डिपार्टमेंट के अंदर जो भी विजिटर होगा वो यकीनन इसको अननोटिसेबल ये नहीं जाएगा। और दूसरी बात ये कि हम ये मेक श्योर करेंगे कि जितने स्टूडेंट्स ने इसको लिया है वो इसको स्नोबॉल करें और वो अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में और अपने फ्रेंड्स के अंदर जो है इसको, इस अवेयरनेस को जो है फैलाएं, और ना सिर्फ ये कि वो ख़ुद भी इसको डाउनलोड करें और इसको यूज़ करें, बल्कि जो उनके रिलेटिव्स हैं, जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, जो जिनकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तक उस तरह से रसाई नहीं है बट वो उनके साथ इन कांटेक्ट हैं किसी भी फॉर्म में, तो वो इसको उनसे इसकी अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड हो। प्लस इम्पॉर्टेंटली सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो हम अपनी क्लासेस के अंदर ये मेक श्योर करेंगे कि सारे स्टूडेंट्स जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या अदरवाइज़ व्हाट्सएप के स्टेटसेस हों, तो वो वहाँ पे इसको एज ए स्टेटस लगाएं ताकि इसकी आउटरीच जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज के अंदर हो सके। मैडम, वीमेन सेफ्टी ऐप में आपको सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगा है? सबसे अच्छा फीचर बेसिकली ये है कि इसमें वीमेन का कहा तो गया है लेकिन इसमें सबकी सिक्योरिटी, इसमें मेल की भी है, इसमें ट्रांसजेंडर्स की भी है, इसमें फीमेल की भी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ट्रांसजेंडर्स को कंसिडर किया ही नहीं जाता, लेकिन इसमें वो है कि इसमें हर जेंडर को हाईलाइट किया गया और हर किसी की सेफ्टी मतलब है इसमें। आपने अभी वीमेन सेफ्टी ऐप की ब्रीफिंग ली, क्या आप अपने घर वालों को रिकमेंड करेंगे ऐप इंस्टॉल करने में? जी, मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि चूँकि हम अलग अलग घर से निकल रहे होते हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हमें हर टाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं ले सकते हैं। बाज़ औकात हमने यूनिवर्सिटी अलग आना है, सिस्टर ने अलग जाना है, तो वालदा ने भी अगर मार्केट जाना है तो उसके लिए बहुत एक अच्छा रिसोर्स या सोर्स है जिसके थ्रू हम बिल्कुल भी वो रिलैक्स होकर किसी को भी घर से बाहर जाना दे सकते हैं।